हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, आपको स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मयंक जी के इस कमेंट को। मयंक जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है, यानी कि प्लान लेते वक्त आप जो फंड ऑप्शन चुनेंगे और जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑप्शन चुनेंगे, उसके आधार पर जो प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जिस पे जोखिम आपका होगा। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो मैच्योरिटी डेट पे जो भी फंड वैल्यू होगा वो आपको लमसम दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। और पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहेगा, यानी कि आपको कुछ होगा तो आपके नॉमिनी को एक निश्चित अमाउंट तो दिया ही जाएगा। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे। अभी हम जानेंगे बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है कम से कम 18 साल और अधिकतम 60 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 38 साल, यानी कि मिनिमम पॉलिसी टर्म हो गया यहाँ पे 20 साल। और अधिकतम आप 100 साल की आयु तक इस प्लान में अंडर द कवर रह सकते हैं, क्योंकि प्लान में जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो है 20 साल से लेकर के 40 साल तक का। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको पता चलेगा कि लिमिटेड पे के केस में आपको 5 साल से लेकर के 12 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। रेगुलर पे लेंगे तो जितने साल का पॉलिसी टर्म चुनेंगे उतने साल आपको लगातार प्रीमियम पे करना होगा। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। अगर 5 साल से लेकर 7 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो 48,000, छमाही पे करेंगे 24,000, तिमाही 12,000 और मासिक 4,000 रुपए। अगर 8 साल या इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो कम से कम 18,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे करके भी आप ये प्लान ले सकते हैं, और मासिक 1500 रुपए का प्रीमियम पे करके भी ये प्लान आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन द एज एंड कंडीशंस। मिनिमम टॉप अप प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 5000 रुपए का। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो है सालाना प्रीमियम का 7 गुना। मैक्सिमम डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि वो कितना अप्रूव करती है। टॉप अप प्रीमियम का 1.25 गुना आपको मिल जाएगा टॉप अप सम अश्योर्ड अगर आप लेना चाहेंगे तो। अब बात आती है पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑप्शन की, तो इस प्लान में आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आप एक ऑप्शन चुनते हैं और प्लान के दौरान अगर चेंज करना चाहें तो कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि 14 फंड की ऑप्शन है यहाँ पे। इन 14 फंड में से जो फंड आप चुनेंगे उसी में पैसा इन्वेस्ट होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वेरी हाई, जैसे कि एक्सेलरेटर मिड कैप फंड है सेकंड, इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड, प्योर स्टॉक फंड सेकंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड। इसी के साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल इक्विटी फंड है, ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। फ्लेक्सी कैप फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का आ रहा है। अब जितने भी ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं फंड ऑप्शंस, इसमें आपको फुल इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, यानी कि इक्विटी में आप चाहें तो 100% भी इन्वेस्ट कर पाते हैं राइट। अब इक्विटी में जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा रिस्क होता है। फिर आपका असेट्स एलोकेशन फंड सेकंड, ब्लू चिप इक्विटी फंड और डायनेमिक असेट्स एलोकेशन फंड। यहाँ पे अप टू 90% तक का, यानी कि अप टू 90% तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी में जा सकता है, ऐसा लिमिट है राइट। फिर आपका बॉन्ड फंड जिसमें आपको मॉडरेट रिस्क मिलता है, यानी कि डेब्ट एंड मनी मार्केट का कॉम्बिनेशन आपको इस फंड ऑप्शन में मिल जाता है। फिर है लिक्विड फंड, और लिक्विड फंड के बारे में आप जानते हैं कि बहुत कम रिस्क होता है, तो उसी तरीके से इसमें रिटर्न भी काफी कम आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड जिसमें आपको डेब्ट और मनी मार्केट का कॉम्बिनेशन मिलता है और ये मॉडरेट रिस्क है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर होगी, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सेकंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रांसफर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ऑटोमेटिकली यूनिट ट्रांसफर होगी। आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो या तो लिक्विड फंड में जाएगी या बॉन्ड फंड में, जैसा भी आप प्लान लेते वक्त चुनेंगे। उसके बाद में आपके द्वारा चुने गए इक्विटी बेस्ड फंड में जो यूनिट्स होंगी वो ट्रांसफर होती रहेंगी मंथली बेसिस पे अपने आप, आपको कुछ नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बजाज अलायंस का जो प्लान है। मैच्योरिटी बेनिफिट आप सबको पता है कि जो यूलिप प्लान होते हैं डेट ऑफ द मैच्योरिटी पे जो फंड वैल्यू होता है वही आपको मिल जाता है, तो सेम है यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट फंड वैल्यू मिल जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की,
तो सम अशोर्ड में से मृत्यु से जो 2 साल होंगे पिछले, उसमें अगर पार्शल विड्रॉल किया गया है तो वो घटा दिया जाएगा। टोटल फंड वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। जितना प्रीमियम पे कर दिया गया है बेस प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105% निकाल के उसमें से लास्ट 2 ईयर्स का जो भी पार्शल विड्रॉल है माइनस कर दिया जाएगा। इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। पॉलिसी बंद हो जाएगी डेथ बेनिफिट पे करने के बाद। तो ये तो बेस बेनिफिट थे। इसके अलावा इस प्लान में अलग क्या है? आपको लॉयल्टी एडवांटेज मिलता है। लॉयल्टी एडवांटेज से मतलब होता है कि जब आप प्रीमियम लगातार पे करते हैं तभी ऐसे बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। पहला बेनिफिट है रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जो मोर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं वो भी आपको इस प्लान में रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा लॉयल्टी एडिशन भी आपको मिलता है। लॉयल्टी एडिशन जो बेनिफिट है पॉलिसी के 15वें साल के अंत से चालू होता है, उसके बाद हर 5 साल के अंत में आपको ये मिलता रहता है। किस तरीके से मिलता है जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, वीडियो को फुल स्क्रीन पे रखिएगा। चार्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर इस समय आ चुका है। लेकिन जो लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट होता है ये अमाउंट निकाला जाता है पॉलिसी के पिछले 3 साल का जो फंड वैल्यू का एवरेज होता है उसके ऊपर, राइट। जैसे कि पॉलिसी का 15 साल कंप्लीट होगा तो 15, 14 और 13 साल में जो फंड वैल्यू रहा होगा उसका एवरेज निकाल के उसका 1% दिया जाएगा। फिर 5 साल के बाद 1.5%, यानी कि 20 साल से पहले के जो 3 साल हैं। फिर 25वें साल के कंप्लीट होने पर 2.5%, फिर 30वें साल पे 3%, 35वें साल के अंत में 4% और 40वें साल के अंत में 4.5%। पिछले 3 साल का, जैसे कि 40, 39 और 38, राइट, 3 साल का निकाल के जो आएगा एवरेज वैल्यू उसका। इस प्लान में आपको फंड मेंटेनेंस बूस्टर बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, जिसे निकालने के लिए आपके सालाना प्रीमियम में से फंड वैल्यू को घटा दिया जाता है। ये बेनिफिट जब अवेलेबल होता है जब पॉलिसी के 4 साल एटलीस्ट कंप्लीट हो गए हों, यानी कि सालाना प्रीमियम में से फंड वैल्यू को घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर फंड वैल्यू 1 साल के प्रीमियम से कम हो जाता है तब फंड मेंटेनेंस बूस्टर बेनिफिट ऐड किया जाता है, जिससे कि जो पॉलिसी है वो रनिंग कंडीशन में रहे। इसी के साथ इस प्लान में आपको फैमिली बेनिफिट मिल जाता है जो कि मैच्योरिटी पे ऐड किया जाता है, जो कि मैच्योरिटी से पहले के जो 3 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% होता है। कब मिलता है ये? अगर आप या आपके फैमिली मेंबर ऑलरेडी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कस्टमर है एग्जिस्टिंग। तो पार्शल विड्रॉल भी एक बेनिफिट है, आप लोग जानते हैं। यूलिप प्लान लोग इसी वजह से लेना भी पसंद करते हैं। और आपको पता है कि यूलिप प्लान में 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको पार्शल विड्रॉल मिलता है। मिनिमम लिमिट 5,000 की रखी गई है। अगर आपका फंड वैल्यू आपके सालाना प्रीमियम का 3 गुना से कम है तो आपको फिर पार्शल विड्रॉल यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड फ्री स्विचेस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन जो आप स्विच करेंगे यूनिट उसका वैल्यू जो है अमाउंट वो 5,000 का होना ही चाहिए। और आपको पता ही है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के साथ ही मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेट में तो ऑटोमेटिक ही होगा। इसी के साथ आप पॉलिसी टर्म के दौरान अपने सम अशोर्ड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और मोड ऑफ प्रीमियम भी आप चेंज कर सकते हैं रिटर्न एप्लीकेशन इंश्योरेंस कंपनी को देके। बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की। अगर इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली प्लान लेंगे तो 15 दिन का है। अगर इंश्योरेंस कंपनी से प्लान न लेके ऑनलाइन लेंगे या डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्स के थ्रू लेंगे तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। जैसे ही पॉलिसी बॉन्ड आपको रिसीव होता है उस दिन से ही काउंट किया जाता है फ्री लुकअप पीरियड, और इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपनी पॉलिसी को आप कैंसिल करा सकते हैं अगर आप कराना चाहते हो तो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला चार्ज है यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस, डायनेमिक असेट्स एलोकेशन फंड जो कि इक्विटी बेस्ड फंड है, उसके साथ में स्मॉल कैप फंड भी इक्विटी बेस्ड फंड ही है, आपको नाम से ही पता लग रहा है। सस्टेनेबल इक्विटी फंड नाम से ही पता लग रहा है कि इक्विटी बेस्ड फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड भी आपका यहाँ पे इक्विटी बेस्ड फंड है, इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है। प्योर स्टॉक फंड भी इक्विटी बेस्ड फंड है। इक्विटी ग्रोथ फंड सेकेंड भी इक्विटी बेस्ड फंड है। अब यहाँ पे सब जो इक्विटी बेस्ड फंड आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक्सेलरेटेड मिड कैप फंड सेकंड भी इक्विटी बेस्ड फंड है। फिर आपका मिड कैप इंडेक्स फंड जो कि इक्विटी बेस्ड फंड है। इन सभी फंड के लिए जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस सालाना वो आपके फंड वैल्यू का 1.35% है। असेट्स एलोकेशन फंड सेकंड और ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये जो फंड है मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं। तो यहाँ पे 0.25% का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में 0.95% लग रहा है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। बॉन्ड फंड में भी सेम ही चार्ज लगेगा, और लिक्विड फंड में भी 0.95% ही फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है सालाना फंड मैनेजमेंट चार्जेस, राइट।
फिर आता है आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड। ये वो फंड है जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो सारी यूनिट इसी फंड में ट्रांसफर की जाती है, जिसमें 4% से ज्यादा का रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है। इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन 4% कम से कम है। इस फंड पे 0.5% का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्जेस है। रेस्ट आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्लान में जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है वो पॉलिसी के 6 साल से लगना चालू होता है, जो कि 4.50% है आपके सालाना प्रीमियम का। इसका मैक्सिमम लिमिट रखा गया 500 रुपए हर महीना, इससे ज्यादा नहीं होगा। अभी जितना है वो 4.50% है सालाना आपके प्रीमियम का। फिर है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पहले साल पे आपके प्रीमियम का 12%, दूसरे साल पे 8%, चौथे से पांचवें साल पे 4%, छठे साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा। अगर मोड ऑफ प्रीमियम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है तो ऐसे में 10% लगता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपके प्रीमियम का, दूसरे साल पे 7%, तीसरे से पांचवें साल तक 4%, और छठे साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप टॉपअप प्रीमियम पे करेंगे, ऐड करते हैं प्लान में आगे चल के, तो टॉपअप प्रीमियम पे 2% की दर से लगता है हर एक टॉपअप प्रीमियम पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। इसके अलावा जो मिसलिनियस चार्जेस हैं ट्रांजैक्शन पे, वो 100 रुपए का चार्ज लगता है, जैसे कि पॉलिसी बॉन्ड बहुत से लोग मिस कर देते हैं या कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो उस पे लगता है अधिकतम चार्ज। फिर बात आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की, ध्यान से समझिएगा। अगर पॉलिसी के पहले साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और प्रीमियम अप टू 50,000 रुपीज तक का है, तो आपके सालाना प्रीमियम और फंड वैल्यू का दोनों का 20-20% निकाला जाएगा और उसका कंपैरिजन कर लिया जाएगा 3,000 के साथ। अब इसमें से जो भी अमाउंट कम होगा वही हो जाएगा यहाँ पे पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज, राइट। अगर चौथे साल पे आप डिसकंटिन्यू करते हैं और प्रीमियम 50,000 रुपए तक का ही है मैक्सिमम, तो फिर सालाना प्रीमियम और फंड वैल्यू का 5% निकाला जाएगा, जिसका कंपैरिजन 1,000 रुपए से किया जाएगा। जो भी इसमें से कम होगा वही होगा फंड जब पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देंगे तो डिसकंटिन्यू चार्जेस। तो इस तरीके से पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की डिटेल दी गई है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखिए पॉलिसी ब्रोशर में एग्जांपल दिया गया है, 35 साल की आयु है, 40 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 40 साल का ही पॉलिसी टर्म, 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड लिया गया है, तो सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया जा रहा है। पॉलिसी टर्म के एंड में अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, तो 25,40,773 रुपए का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर 8% की दर से रहता है रेट ऑफ रिटर्न थ्रू आउट द पॉलिसी, तो 71,68,005 रुपए का रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप फुल स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा। अगर पॉलिसी के 21वें साल या 20वें साल या कभी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो सम अश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए का, वो तो नॉमिनी को मिल ही जाना है। अगर फंड वैल्यू इससे कम भी रहेगा तो, क्योंकि आपको याद हो मैंने डेथ बेनिफिट में बताया था कि सम अश्योर्ड का कंपैरिजन फंड वैल्यू के साथ भी किया जाता है, राइट, तो नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 35 साल की आयु वाले व्यक्ति 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते और 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड लेते, तो सालाना 1,33,334 रुपए का प्रीमियम पे करते, और अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता तो 68,70,089 रुपए का रिटर्न रहता। अगर वो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो 71,429 रुपए का सालाना प्रीमियम वो पे करते, और अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता तो 50,71,173 रुपए के आसपास इनको मिल पाते, राइट, मिल पाते, मिलेंगे नहीं, ओके, अगर ऐसा होता तो। अब आप खुद कैसे चेक कर सकते हो, तो देखिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्यों दिया है? जिससे कि पॉलिसी लेने से पहले आप इस लिंक के थ्रू विजिट करें तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिले, जहां पे आप प्लान का नाम सिलेक्ट करेंगे, फंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो भी आप चूज कर रहे हैं, और जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपको उसका परफॉर्मेंस जानना है उस पर आप क्लिक करेंगे, नेव हिस्ट्री पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाएगा, नेव हिस्ट्री के अलावा रिटर्न भी दिखा देगा। हमने यहाँ पे स्मॉल कैप फंड के बारे में चेक किया था तो हमें पता चला कि जो इसका लॉन्च डेट है वो 23 मई 2023 ही रहा, यानी कि इसी साल आया, और इसका जो एनएवी है वो 13.28 रुपए के आसपास है एट प्रेजेंट। अब ये कम ज्यादा हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है और रेट ऑफ रिटर्न इसका अप टू 26% के आसपास रहा है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि यूलिप प्लान में ही जाना है तो क्यों ना एक ऐसे फंड में जाओ जो नया है, जिसका एनएवी भी कम है पर यूनिट का, राइट। तो आपको पता है कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है तो रिटर्न भी इसमें ज्यादा हो सकता है, और लाइफ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है, तो इस वजह से एक ऐसा फंड चुने जहां पे उसका एनएवी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पॉलिसी टर्म इसमें कम से कम 20 साल का है। तो इसलिए एक नया फंड चुनना इस तरीके का माइट भी सही हो सकता है, मे भी सही हो सकता है, या बिल्कुल भी सही हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है जी। आपने धैर्य पूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। अगर जानकारी क्लियर लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।